नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस चला रही है अभियान, एसएसपी ने थानेदारों को दिया टास्क। मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही छात्रा को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। होली के हुड़दंग में शराबियों पर आएगी आफत, शराब पीने और बेचने वालों को ढूंढ रही पुलिस। और बोलेरो और बाइक की टक्कर में शिक्षक की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। और अब समाचार विस्तार से। भागलपुर जिले में अपराधियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके लिए एसएसपी आनंद कुमार ने मुहिम छेड़ रखी है। सभी थानेदार को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपराधियों को किसी भी सूरत में छोड़े नहीं। बताया जा रहा है कि थानेदार को बदमाशों को पकड़ने का टारगेट दिया गया है ताकि जिले में अमन चैन बना रहे। इसी कड़ी में शाकुंड थाना क्षेत्र के पंचरुखी बाजार में मंगलवार की देर शाम कुख्यात टोपला यादव को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों की माने तो पंचरुखी बाजार में टोपला के घोड़े से टोटो के टकरा जाने पर बवाल मच गया। दरअसल टोपला यादव ने घोड़े से उतरकर टोटो चालक के ऊपर हाथ चला दिया, जिसके बाद स्थानीय जमालपुर गांव का रहने वाला टोटो चालक भी उससे हाथापाई कर बैठा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और टोपला यादव को गिरफ्तार कर लिया। इधर एसएसपी आनंद कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कुख्यात टोपला यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। एसएसपी ने जानकारी दी कि शार्प शूटर टोपला यादव दरोगा अवनीश हत्याकांड मामले में भी अभियुक्त है। इसके अलावा वही पुलिस अधीक्षक ने अन्य मामलों की जानकारी भी साझा की। प्रेस वार्ता के दौरान लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। तीन मामले हैं जिसमें कि भागलपुर पुलिस के द्वारा अच्छी सफलता अर्जित की गई है, जिसमें एक मामला है, एक अपराधी है जिसका नाम टोपला यादव है और वो तीन मर्डर के और एक आर्म्स एक्ट के कांड में वांछित रहा है और अभी भी बात का एक मर्डर केस है जिसमें कि वो अभी भी वांछित है और उसको गिरफ्तार करना बाकी था। यह अपराधी पूर्व में भी शाहकुंड में एक हत्या हुई थी हमारे सब इंस्पेक्टर के अविनाश की, उसमें भी यह मुख्य अभियुक्त रहा है। उसकी गिरफ्तारी कल हुई और वो शराब के कारोबार में लिप्त था। 5 लीटर शराब के साथ वो पकड़ा गया है और उसको हम लोग जेल भेज रहे हैं। हाँ, 5 लीटर शराब की बरामदगी हुई है और उसको जिस कांड में वो वांछित है बात थाना के उस कांड में भी उसको हम लोग रिमांड करेंगे। ये जॉइंट ऑपरेशन हुआ है ये बात और शाहकुंड का और गिरफ्तारी जो है बात शाहकुंड थाना क्षेत्र से हुई जी। इसके लिए जो भी टीम में शामिल थे उनको हम लोग पुरस्कृत करेंगे और इसके साथ ही साथ दो अन्य शराब के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है और एक कार्रवाई हुई है जो टीओपी हमारा है वहाँ पर 450 लीटर शराब के साथ जो झारखंड से शराब लाई जा रही थी और उसमें 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं जिसमें से 2 मधेपुरा के हैं और 1 पूर्णिया के हैं। पहले एक गाड़ी पकड़ी गई और उसमें शराब बरामद हुई तो उस गाड़ी को जो एस्कॉर्ट करने वाली जो मेन गाड़ी थी जो पीछे पीछे चलती है और कहाँ पुलिस है कहाँ नहीं है उसकी रखवाली करती है तो उनके पूछताछ के आधार पर वो गाड़ी भी चिन्हित हुई और उसको थाना अध्यक्ष और जो हमारी पूरी टीम थी डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर के नेतृत्व में उन्होंने घेराबंदी करके और उन 2 अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई। इस प्रकार इसमें कुल 3 गिरफ्तारी हुई है और तीसरी जो सफलता है वो सबौर थाना में एक शंकरपुर डेरा है जहां पे काफ़ी दिनों से शराब बनाने और वितरण करने की सूचना मिल रही थी तो डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गौरव और एसएचओ सबौर पवन और भी कई हमारे अफसरान उस टीम में शामिल थे, एएलटीएफ की टीम थी, इन लोगों के द्वारा उस देरा क्षेत्र में रेड किया गया और 75 लीटर देशी शराब और शराब बनाने के बहुत सारे उपकरण और इसके साथ ही साथ वहां पर 1 मस्कट और 1 कट्टा और 5 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है और कुल 5 व्यक्तियों की उसमें गिरफ्तारी हुई है। इस प्रकार कुल 5 सबौर में, 3 ये टीओपी क्षेत्र में और 1 शाहकुंड क्षेत्र में
कुल 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक जो टोपला यादव है, मर्डर का, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का पुराना अपराधी है, जिसमें जो हमारे एक सब इंस्पेक्टर की हत्या में भी शामिल था। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 2 युवक समेत मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल की पहचान अमरपुर के राजापुर निवासी अमित कुमार, खुशी कुमारी और अमर कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि छात्रा को 2 युवक बाइक पर बैठाकर मैट्रिक की परीक्षा दिलाने कटोरिया ले जा रहे थे। इसी दौरान समुखिया मोड़ के समीप तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिसमें 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर परिजनों ने आनन फानन में घायलों को भागलपुर मायगंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में परीक्षार्थी खुशी कुमारी का जबड़ा टूट गया है, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वही 2 युवक भी गंभीर रूप से घायल है। ये बच्चे जा रहे थे कटोरिया में परीक्षा देने के लिए अपने बहन को, इसी में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के सामने मार दिया। क्या चीज़ का? मैट्रिक का परीक्षा? मैट्रिक का परीक्षा। अच्छा, कितने लोग जा रहे थे? 3 लोग जा रहे थे, एक उसमें दे के आया था, इसलिए उसको मालूम था, इसलिए साथ में जा रहा था। भाई बहन थे? भाई बहन। अभी कहाँ है? अभी एक को रेफर कर दिया है, खुशी कुमारी जिसका नाम है। हाँ। और एक का पैर में बैंडेज हुआ, एक का भी और होगा। माया भर्ती है? भर्ती है, तीनों माया बहन। होली के हुड़दंग में शराबियों पर आफत आएगी। शराबियों से निपटने के लिए भागलपुर पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों की अब खैर नहीं, शराबियों को घंटों पुलिस हाजत में गुजारना पड़ सकता है। जिला पुलिस कप्तान आनंद कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि होली को देखते हुए अभी से अभियान तेज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पर्व को देखते हुए सभी थानेदारों को कई पहलुओं पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। जैसा अभी मैं पिछले 5 मिनट से आपको ब्रीफ भी कर रहा था कि हम लोग की पूरी तैयारी है कि आगामी होली में शराब नहीं बेच पाएँ लोग, और जो भी इसमें लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको जेल भेजा जाए। इसी क्रम में 9 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी हुई है और लगभग 550 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, एक मस्कट और एक देसी कट्टे की बरामदगी हुई है। एक बहुत बड़ा अपराधी जो पूर्व में मर्डर के कांडों में भी लिप्त रहा है, जो अभी शराब का कारोबार कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के शिवनंदनपुर गांव के समीप देवघर मार्ग पर बोलेरो एवं मोटरसाइकिल के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिससे मोटरसाइकिल सवार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सीतारापुर गांव निवासी नवीन पुद्दार के 30 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है, जो भीड़ खुर्द पंचायत के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानगंज से देवघर की ओर तेज गति से जा रही बोलेरो ने मोटरसाइकिल सवार को भीषण टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही मोटरसाइकिल सवार की सिर में चोट लगने से मौत हो गई। वह घटना की जानकारी ग्रामीणों ने परिजनों को दी, जिसके बाद ग्रामीणों एवं परिजनों ने मिलकर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों सड़क को जाम कर दिया। इधर जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर सीओ शंभु शरण राय, थाना अध्यक्ष प्रिय रंजन दलबल के साथ पहुंचे और परिजनों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। वही सीओ शंभु शरण राय ने बताया कि सड़क दुर्घटना में मृत हुए व्यक्ति को सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दिया जाएगा। साथ ही कहा कि ग्रामीणों के द्वारा सड़क पर ठोकर देने की मांग किया गया है, इसके लिए अनुशंसा किया जाएगा। इधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। ये घटना अभी बोलेरो ने उसको ठोकर मार करके दाब करके चला गया, लोग देखने तथा पिछली गया है, और ये लेकर के 26वां घटना है सीतारामपुर पुल से लेकर के और नारा पुल तक 25वां घटना है। अपना निवेदन कर रहे हैं सीओ साहब से कि यह लिखा पढ़ी करके यहाँ ठोकर आवश्यक है, 3-4 ठोकर दी जाए, ताकि जान माल का बगल में स्कूल पड़ता है, कॉलेज पड़ता है, समूचा पड़ता है, इस लेकर के बचाने के लिए ऐसा किया जाए। हम यही सर से निवेदन करेंगे। और सब घटना है, यहाँ स्थानीय टीचर हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, स्पॉट डेथ कर गए हैं। यहाँ स्थानीय लोगों का डिमांड है कि यहाँ ठोकर बनना चाहिए और यहाँ बराबर एक्सीडेंट होता है। हम लोग उनको समझा बुझा करके जाम खुलवाने के इतने हैं, उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि हम लोग जाम हटा लेते हैं। परिवार वाले को मुआवजे के लिए क्या मुआवजा का जो इसका प्रावधान है, जिला परिवहन के द्वारा 5 लाख रुपया का भुगतान किया जाता है, वो सब किया जाएगा, जो सरकारी नियम है वो किया। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के एसएम कॉलेज में बुधवार को स्नातक पार्ट थर्ड की पॉलिटिकल साइंस की छात्राओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में पार्ट थर्ड की छात्राएं मौजूद रही। मुख्य अतिथि के रूप में एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा और टीएमयू के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया। वही छात्राओं को कॉलेज की तरफ से सम्मानित किया गया। छात्राओं ने बताया कि 3 वर्ष का यह सफर उनके लिए काफी अहम रहा, जहां कॉलेज के शिक्षकों ने भरपूर प्रेम एवं प्रेरणा दी। छात्राओं ने बताया कि यहां से पढ़ाई करने के बाद तमाम छात्राएं आगे की पढ़ाई को लेकर विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति दी। आज राजनीति विज्ञान की छात्राओं ने अपने सीनियर कलीग को, जो थर्ड पार्ट की परीक्षा चल रही है जो 28 फरवरी को समाप्त होगा, उन अपने सीनियर कलीग को विदाई समारोह का आयोजन किया। वही कार्यक्रम है विभाग की ओर से। ये एसएम कॉलेज की पुरानी परंपरा, हर एक विभाग अपना करता है समय पर समय पर। मैंने वही बताया कि सफलता पाने के लिए आपको प्रयास करते रहना होगा। आज कॉलेज में पार्ट थर्ड डिपार्टमेंट वालों के लिए, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट वालों के लिए फेयरवेल का आयोजन किया जा रहा है और ये हम सबों के लिए बहुत मेमोरेबल एक फंक्शन होने वाला है। हम सबों ने 3 साल से ज़्यादा का वक्त इस कॉलेज में बिताया है पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के थे, तो आज हम सबों की विदाई समारोह का आयोजन हुआ है। कहते हैं अंत ही आरंभ है, तो आज हम देखें तो ये हमारे लिए एक जीवन का एक पड़ाव का अंत हो रहा है, तो आगे बहुत सारी संभावनाएँ आकांक्षाएँ स्कोप खुल रही हैं। कुछ हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करेंगी, कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए परस्यू करेंगी, तो आगे बहुत सारी संभावनाएँ हैं। भागलपुर नाथनगर थाना और ललमटिया थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान 9 शराबी को नशे के हालत में गिरफ्तार कर लिया। शराबियों को सीटीएस चौक से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ललमटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पासीटोला में छापेमारी कर शंकर चौधरी को 10 लीटर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने 4 अन्य शराबी को भी नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। वे शराब कारोबारी और शराबी को मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। संजीवनी गंगा और मीडिया ग्रुप पीरपैंती के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नीम कॉरिडोर जागरूकता अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पीरपैंती झारखंड सीमा पर स्थित टैगोर स्कूल पिरोजपुर बाराहाट में पर्यावरण संरक्षण विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 505 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। पूरे प्रतियोगिता को 4 ग्रुप में बांटा गया था, जिसका विषय जल संरक्षण, स्वच्छ भारत, वायु प्रदूषण और सड़क सुरक्षा रखा गया था। प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने वाले प्रतिभाग को मेडल और सर्टिफिकेट देकर पुरस्कृत किया गया। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष घनश्याम दास, स्कूल के चेयरमैन जगदीश प्रसाद चिनानी एवं प्रिंसिपल अनिल कुमार के द्वारा जलवायु परिवर्तन संकट पर लिखी पत्रिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए घनश्याम दास ने कहा कि नीम कॉरिडोर अभियान के अंतर्गत 2200 नीम का पेड़ लगाए जाने की योजना है, जबकि प्रिंसिपल अनिल कुमार ने कहा कि अभियान हरियाली के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखता है। कार्यक्रम के दौरान एक नीम का पौधा स्कूल परिसर में लगाया गया। मौके पर स्कूल के शिक्षक के झा, लाल बाबू, सुनील कुमार, मनोज कुमार, रवि त्रिवेदी, शिक्षिका कंचन कुमारी समेत कई शिक्षक उपस्थित थे। जैसा की हम सबको मालूम है की नीम कॉरिडोर अभियान संजीवनी गंगा और मीडिया ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है, जो पिछले 2 माह से चल रहा है। आज उसी अभियान के अंतर्गत यहाँ ऋषिपुर बारा हाट के टैगोर स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहा कि अलग अलग लोग जो ग्रुप बनाए गए थे, वो पर्यावरण से संबंधित नाम रखा गया था, और वो गोरैया था, नीम हमारा था, वो जंगल जंगल था, गंगा था, एक राष्ट्रीय नदी गंगा का जो हाल है, हम उसको बचाने का जो है एक प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम अवेयरनेस लाना चाहते थे। नीम जैसा एक आयुर्वेदिक पौधा जो भारत की मानसिकता से उतरते जा रहा है, जिसे अमेरिका पेटेंट करा रहा है, उसको बचाने की आवश्यकता थी। उस विषय पे हम लोगों ने पेंटिंग आयोजित किया। और हम लोगों की जो चिड़ियां, जो हम लोग कहते हैं कि हम लोगों के घरेलू मित्र हैं गोरैया, वो कहीं ना कहीं वो लुप्त हो रही है, उसे भी बचाने का हम लोगों का प्रयास था। और आए दिन जो रोड पर जो दुर्घटनाएँ घटती रहती हैं, उसको भी बचाने का प्रयास था। तो मिला जुला करके एक ओवरऑल संजीवनी गंगा और मीडिया का जो एक प्रयास था कि भारत को स्वच्छ और सुंदर तब बनाया जा सकता है जब यहाँ के सिस्टम को सुधारा जा सके, और उस सिस्टम को तभी सुधार सकते हैं जब हम स्कूल के पास पहुँचेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जागरूक कर पाएंगे, तो ये सफल अभियान हम लोगों का हो सकता है। ऐसा इसी अभियान को लेकर के हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत आज
पेंटिंग प्रतियोगिता था जो बढ़ चढ़ के बच्चों ने भाग लिया और वहाँ सुंदर माहौल में जिन्होंने भी बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड किया हम लोग उन लोगों को प्रोत्साहित भी किए। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस चला रही है अभियान, एसएसपी ने थानेदारों को दिया टास्क। मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही छात्रा को अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर, हालत गंभीर। होली के हुड़दंग में शराबियों पर आएगी आफत, शराब पीने और बेचने वालों को ढूंढ रही पुलिस। और बोलेरो और बाइक की टक्कर में शिक्षक की हुई मौत, आक्रोशित लोगों ने किया हंगामा। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, नमस्कार।